अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, जरा देखिएगा। वो बोल रहे हैं, इन आ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ड इन पैकिंग बॉक्सेस, द बॉक्सेस कंटेंट वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ बॉक्सेस बनाए गए, ठीक है, और उसमें रंगे रखे गए हैं मैंगोज, ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें 50 से 52 मैंगोज आते हैं, ऐसे 15 बॉक्सेस हैं, ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें 53 से 55 मैंगोज आए हैं। ऑब्वियस ही बात है, मैंगो का साइज छोटा बड़ा रहता है, तो बॉक्स जब बनते हैं तो उसमें कम ज्यादा मैंगोज आते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें 62 टू 64 मैंगोज आ रहे हैं, 25। वो कह रहे फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ड इन पैकिंग बॉक्स, लगभग हर एक बॉक्स में कितने मैंगोज आ जाते हैं वो बताना है आपको। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये किससे करोगे। मुझे लगता है कि इसमें नंबर्स जो है काफी बड़े बड़े हैं, तो हमें जाना चाहिए किसके साथ, स्टेप डेविएशन मेथड के साथ। तो आई विल चूज स्टेप डेविएशन मेथड। और हम लोग एग्जाम्पल से लेकर अभी तक कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मीन मेथड और अज्यूम मीन मेथड से कर चुके हैं, तो इसको हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। पहले ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ही आपके पास डेटा आएगा आप ये चेक करोगे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो भाई बहुत अच्छी बात है, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, छोटी वाली में और छोटा कर दो उसको, क्या करो 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो अपर लिमिट है बड़ी वाली वैल्यू है उसको और बड़ा कर दो, कैसे 0.5 ऐड कर दो। लोअर लिमिट में हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर करोगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 52.5 आ जाएगा, और इसमें ऐड कर दोगे तो 55.5, 55.5, 58.5, 58.5, 61.5, 62.5, सॉरी 61.5 सब्ट्रैक्ट करना है, और यहां पर 64.5। ये जो फ्रीक्वेंसी डिसकंटिन्यूअस थी उसको कंटिन्यूअस बना लिया हमने, ठीक है। लेकिन आप तो देखो बॉक्स बनाओगे ना, आप अपने बुक में क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे, इस तरीके से बॉक्स बनाओगे आप, तो आपको ये डिसकंटिन्यूअस लिखने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे, हम इसको करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें थोड़ा बड़े बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, कई सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है हमें। किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक्सआई की, ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्सआई के बॉक्स बनाएंगे, फिर हमें जरूरत पड़ेगी डीआई की, डीआई के लिए बॉक्स बनाएंगे, फिर हमें जरूरत पड़ेगी यूआई की, यूआई के लिए बनाएंगे, फिर एफआई और यूआई, ठीक है, इतने बॉक्सेस की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब आ जाइए इस वे, देखिए जरा, ये हमारे पास एफआई है, हमें क्या निकालना है, एक्सआई निकालना है, फिर हमें जरूरत पड़ेगी डीआई की, डीआई कैसे निकलती है, एक्सआई माइनस ए, फिर हमें निकालना पड़ेगा यूआई, यूआई कैसे निकलता है, जो भी डीआई आएगा उसको किससे डिवाइड करना है, एच से, फिर हम निकालेंगे एफआई और साथ में निकालेंगे यूआई, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सआई कैसे मिलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर आ रहा है 102, 102 का हाफ कितना होता है 51, इन दोनों को ऐड करोगे 108, इसको कर रहे हो कैसे, इसमें 5 ऐड करोगे 50 आ गया और ये 52 है, ठीक है, तो सेम ही आ रहा है, यहां पर 54, यहां पर 57, यहां पर 60, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 63, समझ आ रही बात, यानी अब हमें जरूरत पड़ती है ए की, ए कैसे मिलता है, इनके बीच वाली जो वैल्यू होती है वही होता है हमारा ए, फिर हमें जरूरत पड़ती है किसकी, हमें जरूरत पड़ती है डीआई की, डीआई कैसे मिलता है,
एक्स आई माइनस ए, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा भाई, माइनस सिक्स, इसमें से इसको करोगे माइनस थ्री, फिर जीरो, फिर इसमें से इसको करोगे तो क्या आ जाएगा थ्री, इसमें से इसको करोगे तो सिक्स। स्टार्टिंग में नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, बाद में पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए होता है क्लास साइज, क्या चाहिए, क्लास साइज। क्लास साइज को हम बोलते हैं एच, कैसे मिलता है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आ रहा है, थ्री डिवाइडेड बाय टू, कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, थ्री डिवाइडेड बाय टू। क्लास, हमें यार क्लास साइज निकालना, क्लास मार्क निकाल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। क्लास साइज तो कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि थ्री आ रहा है डायरेक्टली, और अज्यूम्ड मीन कितना है, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन जो है वो ए होता है, जो कि हमारा कितना है 57, ठीक है। तो इन सभी को अगर मैं एच से डिवाइड करूं, जितने भी डी आई हैं अगर उसको मैं एच से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यू आई। इसको अगर आप थ्री से डिवाइड करोगे तो माइनस टू, इसको करोगे तो माइनस वन जीरो, इसको टू से डिवाइड करोगे, सॉरी थ्री से, किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्लास साइज मतलब एच से डिवाइड कर रहे हैं, थ्री से डिवाइड करोगे वन, और यहां पर क्या आ जाएगा टू। अब एफ आई और यू आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको एफ आई यू आई मिलेगा, इसको इसको करोगे माइनस थर्टी, इसको और इसको करोगे तो माइनस वन वन जीरो, इसको और इसको करोगे तो जीरो, इसको और इसको करोगे तो वन वन फाइव, इसको और इसको करोगे तो फिफ्टी, ठीक है। अब हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई की, एफ आई कितना दिया हुआ है, हाँ जी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो जरा भाई, इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, इसको और इसको करके, इसको और इसको करोगे तो 40, 50, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 150, तो आंसर आ रहा है 400, कितना आ रहा है 400। एक एक करके ऐड करोगे तो टाइम लगेगा, कोशिश करो 10 बनाने की, 50 बनाने की, 100, ऐसे नंबर्स को लो जिसमें 150, 100 या 200 वगैरह बने, तो जल्दी एडिशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई और यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कैसे मिलेगा, देखो ये कितना है 115, अगर इसमें से मैं 100 माइनस कर दूं तो प्लस 5 बचेगा ही नहीं बचेगा, ये है 50, 50 में से अगर 30 माइनस कर दूंगा तो 20 बचेगा ही नहीं बचेगा, दोनों का ऐड करूंगा आंसर कितना आएगा 25, बताइए बात समझ में आ रही है। यहां पर क्या करूंगा, यूजिंग या अप्लाइंग लिख रहा था मैं, यूजिंग कौन सा स्टेप, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा जरा देखो, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ओवर सिग्मा एफ आई, ठीक है, इंटू एच, इंटू एच, इसे मिलेगा क्या मुझे, मीन मिलेगा, क्या मिलेगा, मीन। जरा ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 25 ओवर सिग्मा एफ आई कितना है 400 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 3, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। जरा ध्यान दीजिएगा, 5 से अगर आप करोगे, 25 से कर रहा हूं मैं, 25 वन जा एंड 25 16 जा, कितना है 16 जा, अब 3 और 6 को डिवाइड कर लो कितना आ रहा है, 3 को 16 से डिवाइड करो जरा, देखो डेसिमल, तो देखो इधर यहां पे क्या आ जाएगा 4 और यहां पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है, तो अब आप 0 पुट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, कितना 8 6 कितना होता है 48 और 8 1 8 4 करोगे कितना आ जाएगा 12 13,
इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ रहा है 0.18। ठीक है, तो मीन कितना आ जाएगा भाई, दोनों को ऐड कर दो तो आपको मीन मिल जाएगा, है ना। मीन कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस करना है बस, तो ये आ जाएगा 57.18। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारी जो स्टेटमेंट है एंड में क्या पूछा है उन्होंने, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाँ मीन नंबर ऑफ मैंगोस, मीन नंबर ऑफ मैंगोज इज, लिख देना बस इतना बहुत है। ठीक है, इस तरीके से आपको बेसिकली मीन यूज करना है। क्लियर, क्लियर हो गई बात, यानी नोट कीजिए।